फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। आज के मेरे बेड टाइम सेगमेंट में जानेंगे 10 रीजंस जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द मदर्स बॉटल फीडिंग शुरू कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या बॉटल फीडिंग गलत है? नहीं, बॉटल फीडिंग गलत नहीं है अगर वो सही वजह से शुरू हो, सही तरीके से किया जाए तो। बट कई बार बॉटल फीडिंग शुरू जब भी होता है ना, तभी उसके लिए कुछ वैलिड रीज़न नहीं होता और कई बार वो परसीव्ड रीजंस होते हैं। इसीलिए आप लोग को बॉटल फीडिंग क्यों शुरू करते हैं मदर्स वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर आप में से कोई इस वजह के आसपास की वजह से बॉटल फीडिंग शुरू करते हो तो आपको उस वजह को वैलिड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो साइंटिफिकली वैलिड रीज़न है तो फिर यस, प्लीज़ कंटिन्यू करो। बट अगर नहीं है तो क्यों कर रहे हो जानना बहुत ज़रूरी है। रीजन नंबर वन, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत टाइम लेता है श्रेया। क्या मैं बड़े बड़े बच्चे को एक्सक्लूसिवली पंप करके बॉटल से दे सकती हूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा बच्चे को? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, बट ये वैलिड रीज़न नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग, आप प्रेजेंट रहना है, आपको बार बार फीड करना है। ऐसे अगर आप वर्किंग मदर्स हो, जैसे आई हैड वन मदर फ्रॉम IPS डिपार्टमेंट, एक मदर को मैंने ट्रेन किया था, शी वॉज इन टू क्राइम डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस। ऐसे अगर किसी इमरजेंसी सर्विस में हो या आप डॉक्टर हो, आई हैव ट्रेन अ कपल्स हु आर डॉक्टर्स जिसको सर्जरी के लिए बच्चे को छोड़ के जाना पड़ता था, इन लोग के केस में इट्स अ वेरी वेरी वैलिड रीज़न। बट अगर आप होम मेकर हो, घर पे हो, तो मेरा बच्चा बार बार दूध मांग रहा है, रादर देन इस ऑप्शन पे शिफ्ट होना कि मैं एक्सप्रेस करके बच्चे को दे दूँ, आपको ये ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों मेरा बच्चा बार बार दूध मांगता है। अगर मांगता है तो क्या लैच में गड़बड़ है? क्या मेरे मिल्क सप्लाई में गड़बड़ है? और अगर इसमें से किसी चीज़ में गड़बड़ है तो फिर आप लोग उस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हो। रीज़न नंबर टू, परसीव्ड लो मिल्क सप्लाई। नहीं, मुझे लगता है कि मेरा मिल्क सप्लाई कम है, इसीलिए मैंने बच्चे को बॉटल फीडिंग चालू कर दिया। ये बिल्कुल भी वैलिड रीज़न नहीं है, बिकॉज जैसे ही आप लोग बच्चे को बॉटल फीडिंग शुरू कर दोगे, वैसे आपको ऑब्जर्व होगा कि बच्चे का ब्रेस्ट मिल्क पीना और भी कम हो गया, फर्दर ड्रॉप ऑफ मिल्क सप्लाई। इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसर्च ये कहता है कि 25% मदर सीव्ड लो मिल्क सप्लाई करती है। मुझे लो मिल्क सप्लाई एक्चुअली नहीं है, बट उनको ऐसा लगता है कि उनको लो मिल्क सप्लाई। माइट बी ब्रेस्ट फूल नहीं हो रहा है, माइट बी बच्चा क्लस्टर फीडिंग कर रहा है, माइट बी बच्चा मुंह में उंगली डाल रहा है, दैट कैन बी द रीज़न। थर्ड, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली पीपल्स सजेशन। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एट ए टाइम मैनेज करना, बट ये अगेन वैलिड रीज़न नहीं है, बिकॉज अगर इन लोगों में से किसी ने अपने बच्चे को बॉटल दिया हुआ है, इनकी वजह और आपकी वजह सेम नहीं हो सकती। अगर सेम है तो प्लीज़ समझ के लो हर एक के सर्कमस्टेंसेस बहुत ज़्यादा अलग है, और हर एक के अगर सर्कमस्टेंसेस अलग है तो हर एक की चीज़ों को रिस्पॉन्ड करने का तरीका भी बहुत अलग हो सकता है। इसीलिए मेरे उस दोस्त ने बॉटल फीडिंग करके मुझे बोला, अरे आसान है यार, कोई भी कर सकता है, कोई टेंशन ही नहीं होता, बस बॉटल दे दो, बात खत्म हो जाती है। सो क्या आपको ये इजी तरीके में जानना है? दैट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक अ डिसीजन। फोर, मालिश वाली बाई। कई बार मसाज वाली बाई जब भी नहाने से पहले आपको मसाज देती है, तभी मसाज करते वक्त मसाज वाली बाई बताती है, तुझे तो बहुत ही लो मिल्क सप्लाई है, तू ना ऐसे कर कॉम्बिनेशन फीडिंग चालू कर दे और बच्चे को बॉटल से भी दूध दे दे। मसाज वाली बाई आपको अगर 1.5 घंटे के लिए देखती है और वो ब्रेस्ट पर मसाज करते वक्त बोलती है कि धार नहीं निकल रहा है इसीलिए ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम है, तो ये कम्प्लीटली इनवैलिड रीज़न है। बिकॉज आप जब तक साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ इस चीज़ को वैलिड नहीं कर सकते, तब तक आपको बच्चे को बॉटल पे शिफ्ट करने की कोई वजह दिखाई नहीं देती है। रीज़न नंबर फाइव, कई बार अगर बच्चा NICU में था या कांच की पेटी में था या सेपरेटेड था या माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और 1 या 2 दिन के लिए अगर बच्चे को बॉटल दिया गया है, तो कई बार मदर्स ये सोच लेती कि बच्चे को बॉटल का आदत है ना, इसीलिए ना मेरा बच्चा लैच ही नहीं कर पाता है, इसीलिए बॉटल दे दो। इनफैक्ट हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट 40 डेज आपको ट्राई करना है कि बच्चे को बॉटल इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। बच्चे को जितना नेचुरली ब्रेस्ट फीडिंग पे लाने की कोशिश करोगे, अगर वो नहीं होता है तो कटोरी चम्मच कैन बी अ गुड ऑप्शन, बट आप लोगों को प्रेफरेबली बॉटल 40 डेज तक अवॉइड करना है, एंड दैट विल बी ऑलवेज बी बेटर। सिक्स्थ वन,
कई बार मदर्स बॉटल फीडिंग इंट्रोड्यूस करना प्रेफरेबल मानते हैं, रात में नींद अच्छी हो जाती है यार, पति पिला सकता है, मदर इन लॉ पिला सकती है। इनफैक्ट आई हैड वन फैमिली जहाँ पे तो मदर ने बोला मेरी मदर इन लॉ ना रात को 7 बजे बच्चे को लेकर चली जाती है, क्योंकि पूरी रात ना मेरी नींद हो जाए, फिर वो पूरी रात बच्चे को बॉटल फीडिंग ही करती है, फिर डायरेक्टली बच्चा मेरे पास सुबह 7 बजे आता है। अगेन यू नीड अ वैलिड रीज़न फॉर इट। क्या आप पोस्टमार्टम डिप्रेशन से जा रहे हो, क्या आपको डॉक्टर ने बोला हुआ है कि आपको रात का नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या आप किसी मेडिकल सिचुएशन से रिकवरी कर रहे हो, देन इट्स अ कम्प्लीटली अनदर स्टोरी, बिकॉज मेडिकल रीज़न की वजह से आपको उस रेस्ट की ज़रूरत है। बट अगर नहीं है तो अल्टीमेटली वी हैव टू लर्न टू रेस्ट। अल्टीमेटली आपको ये समझना पड़ेगा, अगर ये मेडिकली वैलिड रीज़न नहीं है तो फिर क्यों, मतलब मदर अगर बने हैं तो शॉर्टकट ढूंढने के लिए तो नहीं बने हैं। अगर मेरा बच्चा फीडिंग ठीक से कर रहा है, मुझे मिल्क सप्लाई सही जा रहा है, तो फिर मुझे ये आदत डालनी पड़ेगी मैं बच्चे के साथ सो के अपना नींद कवर अप करूँ, एंड दैट समथिंग विल बी एक्चुअली हेल्पफुल, बट ना कि शॉर्टकट ढूंढना। रीज़न नंबर 7, नहीं वो फ्यूचर में मैं बाहर जाऊँगी ना तो बाहर पब्लिक में कौन ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, उससे अच्छा मैं अभी से बच्चे को बॉटल का आदत लगा देती हूँ, क्योंकि बाहर वगैरह जाना, पार्टीज़ में जाना, घूमने के लिए जाना बहुत आ सकता है। ट्रस्ट मी ऑल ऑफ यू, हम लोग उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग इज़ गेटिंग नॉर्मलाइज्ड। कई सारे कंट्रीज़ में पब्लिकली ओपन रख के ब्रेस्ट फीडिंग करना इज ऑल्सो नॉर्मलाइज्ड, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बट पर्सनली मैं अगर इंडिया की बात करती हूँ या एशियन कंट्रीज़ की बात करूँ, तो पब्लिकली अगर आप लोग ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो आप पोंचो लेके या स्लिंग लेके बहुत आराम से पब्लिक प्लेसेस में ब्रेस्ट फीड कर सकते हो। इट इज़ अ थिंग विच इज़ सीन विद सेंसिटिविटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें कोई गलत बात नहीं है माय डियर मदर्स। मैंने कार में फीड किया हुआ है, मॉल में फीड किया हुआ है, ट्रिप्स में फीड किया हुआ है, फ्लाइट में फीड किया हुआ है, बस में फीड किया हुआ है, एंड इट्स अ ब्लिस। रीज़न नंबर 8, कई बार मदर्स को ऐसा लगता है कि बच्चा ब्रेस्ट पे सक करता है तभी बच्चा कम दूध पीता है, या मुझे पता ही नहीं चलता बच्चे ने कितना दूध पिया। बॉटल से दूध पीता है तो अच्छा है ना, मुझे पता तो चलता है कितना क्वांटिटी पेट में गया। सो ये क्वांटिटी पता करने के लिए आप बॉटल से दूध पिलाते हो, मत करो। क्वांटिटी पता करने के लिए बॉटल की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप सूसू भी चेक करोगे ना तो आपको क्वांटिटी पता चली जाएगी, सो इट कैन गो रियली वेल। रीज़न नंबर 9, कई बार मदर्स को ऐसा लगता है कि मेरा दूध ना इतना न्यूट्रिशियस है नहीं। पाउडर्ड मिल्क कितना न्यूट्रिशियस होता है, आयरन है, कैल्शियम है, कितने सारे न्यूट्रिएंट्स फोर्टिफाइड होते हैं उसमें, सो ये ज़्यादा हेल्दी है। कुछ कुछ फ्रेंड्स इनफैक्ट बताते भी हैं कि वो फॉर्मूला मिल्क ना बहुत हेल्दी होता है, उससे ना बच्चे एकदम मस्त होता है, मस्त हो सके मस्त बढ़ता है। इसकी वजह से याद रखो, बच्चे के लिए सबसे बेस्ट माँ का दूध है, इम्यूनिटी के लिए, बच्चे के ग्रोथ के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, माइलस्टोन्स के लिए, टीथ के लिए और सिक्योरिटी के लिए। सो माँ के दूध से अच्छा कुछ नहीं। लास्ट रीज़न नंबर 10, कंपैरिजन। किसी और के बच्चे को देखिए जो फॉर्मूला फेड बेबीज है या जो बॉटल फेड बेबी है, उसको देख के सोचते बाप रे उसका बच्चा तो देख हफ्ते का 250-300 ग्राम वज़न बढ़ा रहा है, मेरा बच्चा मुश्किल से 150-200 ग्राम वज़न बढ़ रहा है, और वो भी मैं उठ रही हूँ, पिला रही हूँ, मैं ही प्रेजेंट चाहिए, कितना हार्डवर्क है। उससे तो बेटर यार, क्या गप्पू बच्चा है, मस्त है यार, तो मैं बॉटल फीडिंग शुरू कर देती हूँ। याद रखो ऑल ऑफ यू, गप्पू बच्चा होना इज़ नॉट अ हेल्दी बच्चे का साइन। इनफैक्ट मुझे काउंसलिंग में किसी ने बताया था, मेरी सिस्टर इन लॉ का बच्चा सेम एज का है बट उसका तो वज़न बहुत ज़्यादा है, और मैंने उस कंसल्टेशन में उस लेडी को पूछा वो बच्चा फार्मूला फेड बेबी है या उसको कॉम्बिनेशन फीडिंग है, शी वाज लाइक नहीं पाउडर फेड है, ब्रेस्ट फीडिंग ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, बट एक हाथ दो बार हुआ तो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क। सो देन ऑब्वियसली बच्चा ज़्यादा लेगा ना, बिना मेहनत का दूध पी रहा है तो ज़्यादा ही लेगा, और वो ओवरवेट साइड में भी होगा, देयर इज नो कंपैरिजन लाइक दिस। सो मदर्स, ये 10 वो इनवैलिड रीजंस है जिसकी वजह से कई बार मदर एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क या बॉटल फीड पे बच्चे को शिफ्ट कर देती है। याद रखो ऑल ऑफ यू, हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो चीज़ों को समझ के लो और स्मार्ट डिसीजंस में बिलीव करो। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना क्या आप में से कोई रीज़न, ऐसा कोई रीज़न है जो आपको हिट किया है, लेट मी नो। बाय।